सभापति महोदय, आपने मुझे रेल बजट 2015-16 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। 2015-16 का रेल बजट भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार अखिल भारतीय दृष्टिकोण और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने वाला एक पूर्वाग्रह मुक्त, व्यवहारिक और संतुलित बजट है। इस बजट के दूरगामी परिणाम होंगे। देश में जो रेलवे को लेकर एक निराशा का वातावरण रहा है, उसमें एक नई पहल और शुरुआत है। मुख्य रूप से रेलवे से एक कल्याणकारी संगठन के साथ साथ उसके सेवा के साथ साथ वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में मुनाफे की भी आशा की जाती है, और इस रूप में यह रेलवे बजट इस कसौटी पर खड़ा है। इसलिए आदरणीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी और मनोज सिन्हा जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत का सपना देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए यह बजट आगे असरकारी सिद्ध होगा। माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र चतरा झारखंड का एक अत्यंत पिछड़ा और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है। मैं ये बात इसलिए भी माननीय सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं एक ऐसे रेल परियोजना के बारे में बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसकी शुरुआत हुए लगभग 85 साल बीत गए। मैं 85 साल कह रहा हूं सभापति महोदय। 1930 में वो रेल योजना बरवाडी चिरी मेरी शुरू हुई थी, और ये रेल परियोजना कलकत्ता से मुंबई की दूरी 400 किलोमीटर कम करने वाली थी। जो रेल में जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम क्षमता का संवर्धन करेंगे और रेलवे नेटवर्क पर कंजेशन कम करेंगे, आप जरा कल्पना कीजिए कि एक कलकत्ता से मुंबई के बीच 400 किलोमीटर की दूरी कम करने वाली रेल लाइन अगर 85 साल से इस देश में लंबित है, जिसका भूमि अधिग्रहण हो चुका है, जिसमें रेलवे लाइन के लिए मिट्टी का काम हो चुका है, रेलवे के पुल अधूरे बने हुए हैं, जरा आप कल्पना कीजिए कि हम रेल को किस रूप में चला रहे हैं। और मैं इसलिए ही कह रहा हूं कि वो क्षेत्र आज भी कोयले के और बॉक्साइट के और डोलामाइट के उत्खनन और उसके परिवहन के दृष्टि से पूर्वी क्षेत्र से भारत के पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ता है। जरा आप कल्पना कीजिए कि इस कोयले के ढुलाई में देश ने कितना कोयला, कितना डीजल और कितना बिजली उस पर व्यय किया है, ये जरा विचार कीजिए। कल भूमि अधिग्रहण पर चर्चा 2 दिन पहले हो रही थी, वक्ता दर वक्ता 5 साल की सीमा कर लागू करने के लिए कह रहे थे। जरा उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये 85 साल की योजना क्या आप खत्म कर देंगे? किसान की खेत गई, खेती गई, और रेल के इंतजार में खुशियां भी मर गई इंतजार करते करते। माननीय आपके माध्यम से मैं सदन का इसलिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज उग्रवाद के नक्शे पर चतरा संसदीय क्षेत्र का यह क्षेत्र बस्तर के बाद लगभग समानांतर आता है। आप जरा विचार कीजिए, अगर योजना लागू हो गई रहती तो क्या हमारे क्षेत्र में कोई उग्रवादी कहे जाने का दंश झेलना पड़ता? मैं आपका समर्थन और सहयोग चाहता हूं माननीय सभापति महोदय जी। उसी तरह से उस क्षेत्र की चतरा गया रेल लाइन पिछले 15 साल से प्रस्तावित है। टोरी चतरा रेल लाइन का सर्वे आज तक नहीं हुआ, ना उसका रिपोर्ट आया। मैं रेल मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे ने जो मापदंड स्थापित किए हैं, अगर आपके क्षमता के संवर्धन इससे नहीं होता है, अगर आपके इकोनॉमिक वायबिलिटी में ये रेलवे लाइन नहीं फिट आते हैं, तो निसंदेह आप इसको स्थगित कर दीजिए, आप समाप्त कर दीजिए। लेकिन ये झुनझुना न दिखाएं हमको जो पिछले 85 साल से दिखाया जा रहा है। हर रेल बजट में वहां के लोग ये आशा करते हैं, करोड़ों करोड़ लोग, इसमें सरगुजा छत्तीसगढ़ का और झारखंड का पलामू और चतरा का क्षेत्र शामिल है, उनकी आशा हर रेल बजट में होती है कि शायद इस बार कुछ मिले। मुझे हमें रेलवे लाइन तो बाद में मिले, रेल ट्रेन तो बाद में मिले, पहले रेलवे लाइन तो मिले। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि ये सारे रेलवे लाइन जो मैंने कहा है उसको करें। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में टोरी एक रेलवे स्टेशन है जो धनबाद रेल मंडल में आता है,
जब टोरी स्टेशन बना था उस समय वो नगर नहीं था, आज नगर हो गया है। वहां से कोयले और बॉक्साइट की ढुलाई देश भर के लिए होती है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, चाहे पंजाब का बिजली घर हो, चाहे महाराष्ट्र का बिजली घर हो। लेकिन ठीक बीचों बीच प्लेटफार्म पर साइडिंग बना हुआ है और उस साइडिंग पर कोयला और बॉक्साइट हमारे लोगों का प्रदूषण से जीना दुर्भर कर दिया। हमारे लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा इतिहास में नहीं कहीं मिलेगा कि रेलवे के ठीक प्लेटफार्म पर बीचों बीच साइडिंग बना हो प्लेटफार्म पर। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का उस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि जब आप राज्यवार रेलवे के बजट में लोकेशन करते हैं तो साथ ही साथ रेलवे में उस राज्य की जो राजस्व में भूमिका है, जो हम राजस्व में कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसकी भी चिंता करें। हम रेलवे एक सामाजिक उपक्रम है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा राजस्व आप सिर्फ हमारे यहाँ खर्चा कीजिए। लेकिन आज झारखंड राज्य में जो रेलवे के डिविजनल कार्यालय हैं, चाहे वो धनबाद डिवीजन हो, चक्करधरपुर डिवीजन हो, आद्रा का डिवीजन हो, माननीय अध्यक्ष जी रांची का डिवीजन हो, ये सारे डिवीजन लगभग 45% रेलवे रेवेन्यू का उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। और मैं इसलिए भी आशा करूंगा कि इस रेल बजट में कहा गया है कि राज्यों से सहयोग करने के लिए पीएसयू के माध्यम से, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि झारखंड राज्य के साथ 2002 और 2012 के मंत्री दिनेश त्रिवेदी दोनों ने झारखंड राज्य से एक तालमेल किया और एमओयू साइन हुआ और झारखंड राज्य पैसे देती है, लेकिन फिर भी हमारी योजनाएं लंबित हैं। अध्यक्ष जी मैं आपका समर्थन एक मिनट और चाहूंगा, क्योंकि मैं 80-85 साल की वेदना व्यक्त कर रहा हूं। आप जरा विचार कीजिए कि जिस क्षेत्र में 85 साल से योजना चल रही हो और पूरी ना हो वहां की क्या स्थिति होगी। अगर इस सदन में कोई सदस्य कह दे कि उसके यहाँ 85 साल से ज्यादा की योजना लंबित है तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा अध्यक्ष जी। इसलिए आपका समर्थन चाहता हूं, क्योंकि लोगों की आशा है, लोगों ने जब से चुना है उनको आशा और भरोसा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे झारखंड की परियोजनाएं में लई नाल की परियोजनाएं जो 9 के आसपास पेंडिंग है, अमान परिवर्तन का टोरी चतरा लोहरदग्गा परिचित है लंबित है, और दोहरीकरण के लिए 13 योजनाएं जो राज्य सरकार के बाद भी हैं पेंडिंग, उनको पूरा कराएं। और इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा कि देश के इतिहास में आज तक का जो रेलवे बजट प्रेशर पॉलिटिक्स और वोट बैंक के तहत आता था, देखिए एक सेकंड सुन लीजिए अध्यक्ष जी, मैं एक सेकंड कंस्टिट्यूएंसी का ही कह रहा हूं। अगर इसी तरह के रेल बजट देश में आते रहे तो 2012-13 पवन कुमार बंसल के समय से देश में एक चर्चा ये भी शुरू हुई है कि क्या रेलवे का बजट आना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से आज तक के रेलवे बजट में जो भी घोषणाएं हुई हैं, खास करके लालू प्रसाद, दिनेश त्रिवेदी और ममता बनर्जी जी के कार्यकाल में, उसका एक लेखा जोखा रेल मंत्री प्रस्तुत करे, ये भी मैं आग्रह करते हुए फिर आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर, झारखंड की जनता की ओर दिलाते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि रेल मंत्रालय को निर्देशित करें।